आज मैं आप लोगों को एनालिसिस ऑफ रेट फॉर ब्रिक वर्क इन 1:5 रेशियो मोर्टार फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो मोर्टार का रेशियो दे रखा है 1:5, मैं ब्रिक मशीनरी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि ब्रिक वर्क आप ईंट चिनाई करेंगे और जो मोर्टार का 1:5 रेशियो है तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने लेबर चार्ज लगेंगे और कितना मटेरियल चार्ज लगेगा उसका मैं एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं। जनरली देखिए, जो आजकल क्वेश्चन ये साइट पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, साइट पे इसके ज़्यादा यूज होते हैं, तो समझ लेते हैं ये इन क्वेश्चनों को करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर का एनालिसिस करना है तो हम 10 क्यूबिक मीटर लेंगे और उसके आधार पे 1 क्यूबिक मीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो करेंगे टेक 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर। तो आप लोग जानते हैं जो ड्राई मोटार होता है वो ब्रिक वर्क का 30% लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इक्वल टू 10 का 30% लेंगे तो आपका आएगा 3 क्यूबिक मीटर। अब इसमें आप लोग निकालेंगे 1:5 का क्या मतलब है, 1 है आपका सीमेंट और ए 5 है सेंट, इसका रेशियो दे रखा है। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू होता है टोटल ड्राई मोर्टार 3 क्यूबिक मीटर अपॉन एड ऑफ रेशियो, जो इनका रेशियो दे रखा है 1:5 इंटू जिसका आप निकाल रहे हैं सीमेंट का निकाल रहे हैं, तो सीमेंट का कितना रेशियो है 1 है तो इंटू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 क्यूबिक मीटर। और आप जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग सीमेंट आता है, जब इसे इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 15 बैग। ओके, आप इसे केजी में भी चेंज कर सकते हैं, 1440 इसकी डेंसिटी होती है उसके अनुसार। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो गया। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना, जो टोटल दे रखा है ड्राई मोटर 3 क्यूबिक मीटर एड ऑफ रेशियो 6 होगा इंटू सेंड का रेशियो कितना है 5 इक्वल टू 0.5 × 5 यानी 2.5 क्यूबिक मीटर। ये तो आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सेंड सीमेंट। अब निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रेक इक्वल टू, आप जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंट आती है, 500 ईंट आती है, यानी यहाँ पे आप जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 500 नंबर ऑफ ब्रिक। तो ऐसे ही आप निकालेंगे 10 क्यूबिक मीटर का, यानी 10 क्यूबिक मीटर का तो 500 × 10 इक्वल टू 5000 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक, यानी टोटल मटेरियल कितना लगा, जो आपका सीमेंट लगेगा वो 15 बैग लगेगा और जो आपका सेंड लगेगा वह 2.5 क्यूबिक मीटर लगेगा और जो आपकी ब्रिक आएगी वह 5000 नंबर आएगी। ठीक है, ये तो आपका टोटल मटेरियल लगा, अब मटेरियल चार्ज जोड़ेंगे लेबर चार्ज लगेंगे तो इसके लिए एक टेबल बनता है, तो आइए मैं उस टेबल को समझा देता हूँ कि उस टेबल को कैसे बनाएंगे। तो गाइस, आप सीमेंट सेंड और ब्रिक निकाल लिए थे, जो सीमेंट आया था 15 बैग, सेंड आया था 2.5 क्यूबिक मीटर और ब्रिक आया था, जो मैं टेबल बोला था फर्स्ट में आपका टेबल में क्या रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड में पार्टिकुलर ऑफ आइटम, थर्ड में क्वांटिटी, फोर्थ में रेट और फाइव में अमाउंट। ठीक है, तो आइए फर्स्ट में मटेरियल में क्या है, सीमेंट सेंड और ब्रिक, सीमेंट 15 बैग और आपका सेंड है 2.5 क्यूबिक मीटर, ब्रिक है 5000 नंबर। ठीक है, और इसका रेट निर्धारण करेंगे 350 रुपया पर बैग आपको सीमेंट मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जैसे आपको मार्केट में जो वैल्यू रहती है उसके हिसाब से रेट का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है 1200 क्यूबिक मीटर आपका सेंड है और 5 रुपये पर नंबर आपकी ब्रिक है, जब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 5250 और 2.5 में 1200 से करेंगे तो 3000, 5000 में 5 से करेंगे तो 25000 और टोटल आप इसे ऐड करेंगे यानी मटेरियल कास्ट टोटल जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 33250 आरएस। ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा 33250 रुपये। उसके बाद से अब आते हैं लेबर, लेबर में आप हेड मेसन जानते हैं, राजमिस्त्री जो होते हैं वो
एक साथ तीन चार साइड को देखते हैं, तो जो 10 क्यूबिक मीटर के लिए जो ब्रिक वर्क है जनरली एक नंबर रख लेंगे तो वो देख लेंगे। तो हेड मेसन एक नंबर, ओके, और मेसन जो होंगे वो 10 नंबर लेंगे, क्योंकि एक आदमी, एक जो मेसन होता है, एक दिन में 500 ब्रिक मेसनरी बने ब्रिक मेसनरी करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप 10 रखेंगे तो 5000 कर लेगा। जनरली जो बात आती है वो आपको एक दिन में एक मेसन 500 ईंट की चिनाई करता है, तो 10 रखेंगे मेसन। बेलदार मजदूर से थोड़ा हाई लेवल के हैं, मजदूर होते हैं, ए टू जेड कार्य करते हैं, इन्हीं में से जो मोटार बनाते हैं वह बेलदार होते हैं, तो बेलदार आप 11 रखेंगे, क्योंकि देखिए बेलदार और मजदूर को रखना है ना मेसन से 2.5 से 3 गुने, ठीक है। तो देखिए 10 है, 10 का 2.5 लगभग 2 से 2.5 3 गुने रख लेंगे, तो 11 और 13 24 हुआ, और ये 10 है लगभग 2.5 गुना है, ठीक है, तो आप 2.5 गुना है। तो आप इतना 11 नंबर बेलदार रखिए, मजदूर जो होंगे वो 13 नंबर, भिस्ती में जो आपकी तराई करते हैं भिस्ती रख लीजिए 2 नंबर, स्कैफोल्डिंग लफ्स में आ जाएगा, छुटपुट में छुटपुट औजार, टूल एंड प्लस छुटपुट औजार, ठीक है। अब इसका रेट निर्धारण करेंगे, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में मार्केट में चल रहा है, एक हेड मेसन का 600 रुपया पर डे है, और एक मेसन का 500 रुपया पर डे है, बेलदार का 300 रुपया पर डे है, मजदूर का 270 रुपया पर डे है, और जो भिस्ती का है वो 200 रुपया पर डे है, लमसम 100 रुपये में आ जाएगा, स्कैफोल्डिंग और टूल एंड प्लस 150 रुपये में आ जाएगा। अब आप 600 का 1 में करेंगे 600, 500 का 10 में करेंगे 5000, 11 × 300 = 3300, 13 × 270 = 3510, 2 × 200 = 400, और 100 रुपये और 150 रुपये टोटल एड करेंगे तो लेबर कास्ट आ जाएगी आपकी 13060, ठीक है, 13060 रुपये आपकी आ गई लेबर कास्ट, ओके। ये आपका रहा मटेरियल कास्ट, और नीचे का रहा लेबर कास्ट, तो टोटल फॉर मटेरियल एंड लेबर कास्ट, जो टोटल फॉर मटेरियल एंड लेबर कास्ट आपका क्या होगा, इस लेबर कास्ट को और मटेरियल कास्ट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल आएगा 46,310 रुपया, इतना आएगा। ये तो अभी मटेरियल और लेबर कास्ट रहा भाई, अब कंट्रेक्टर है, कोई ठेकेदार है वो भी 10% लेता है, मतलब इस चार्ज का 10% कंट्रेक्टर प्रॉफिट, और जल की अगर वहाँ पे उपलब्धता नहीं है तो उसकी भी 1.5% लेते हैं लोग। तो अब लिखेंगे 8.5% वाटर चार्ज, ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पे 1/2% वाटर चार्ज। तो आप इसका 46,310 का 1.5% निकालेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, इतना आया है 694.65, इतना रुपया आपका आएगा वाटर चार्ज, और फिर ऐड करेंगे 10% कंट्रैक्टर प्रॉफिट, 10% कंट्रैक्टर प्रॉफिट, इसका अगर 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 1-0 हट जाएगा, यानी 46,631 रुपये आपका हो जाएगा कंट्रैक्टर प्रॉफिट। अब आपको टोटल ग्राउंड पे कितना करना है, टोटल ग्राउंड पे कितना करना है आपका, वाटर चार्ज, कंट्रैक्टर प्रॉफिट और मटेरियल एंड लेबर कास्ट, तीनों को ऐड करेंगे ये आपका टोटल ग्राउंड पे आएगा। तो मैंने तीनों को ऐड करके निकाला है 51,635, यानी 51,635.65 रुपये मैंने निकाला है। ये तो ग्रांड टोटल पे देना होगा कितने को, 10 क्यूबिक मीटर के लिए, क्योंकि मैंने 10 क्यूबिक मीटर का एनालिसिस किया है। अब आपको निकालना है, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, अगर 2 क्यूबिक मीटर देता तो 2 क्यूबिक मीटर के लिए निकालते, तो लिखेंगे पर 1 क्यूबिक मीटर चार्ज इक्वल टू जो आपका 51,635 है, 51,635 है पॉइंट कुछ है, तो आप 36 कर लीजिए अपॉन 10 इक्वल टू आएगा 51,600, ये आएगा आपका 1.0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5,163.6 इक्वल टू लिखेंगे आप 5,163.6
64 रुपये, आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए 5164 रुपये लगेगा, ठीक है। तो जनरली आजकल जो बहुत से मतलब गाइस जो मेरे दोस्त हैं जो पढ़े हैं मेरे यूट्यूब से, बहुत से होंगे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे होंगे, उनको साइट पे इस चीज़ की अवश्य आवश्यकता होती होगी कि ब्रिक वर्क कैसे निकाला जाए, एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क, कंप्लीटिंग कार्य हुई जो भी हुई। अगर इस टॉपिक से इस्टीमेट से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो रही है तो ज़रूर आप कमेंट करिए, और ड्राइंग से, ड्राइंग और इस्टीमेट से किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन की समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक से लेकर वीडियो बनाऊंगा। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सके। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।